Hello friends, my name is Shubham Maheshwari and you are watching Learning Sessions with Shubham. इस YouTube चैनल पर कॉमर्स के टॉपिक्स हम लोग समझते हैं सिंप्लीफाइड तरीके से. इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप हमसे Instagram पे भी जुड़ सकते हैं. प्लीज वॉच द वीडियो एंड एंजॉय. हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बेसिक चैप्टर है. अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तब भी ये टॉपिक आपको काम का है. अगर आप सीए कर रहे हैं तो इंटर लेवल पे ये टॉपिक पूछा जाता है. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग है क्या, उसका मीनिंग समझते हैं और भी साथ साथ में दूसरी थियरी पार्ट जो है हम लोग समझेंगे. इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या दिया हुआ है, मार्जिनल कॉस्टिंग एक अलग मेथड नहीं है कॉस्टिंग की. यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या करते हैं कि टोटल जो भी कॉस्ट है वो हम अलग तरीके से मार्जिनल कॉस्टिंग के वे में हम लोग डिसाइड करते हैं. नॉर्मल आप किसी भी पर्सन को पूछेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, तो क्या करते हैं हम लोग कि उस प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी मटेरियल यूज हुआ हुआ है या जितना भी लेबर यूज हुआ है या जो भी दूसरे खर्चे हैं उनको टोटल किया जाता है और उसको डिवाइड कर दिया जाता है विद द नंबर ऑफ क्वांटिटी. तो हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट का पर यूनिट का कॉस्ट. बट यहाँ मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो टोटल प्रोडक्ट का जो भी कॉस्ट है उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं. वन इज फिक्स्ड एंड वन इज वेरिएबल. वेरिएबल मतलब कौन सा खर्चा जो प्रोडक्शन के इंक्रीज होने के साथ बढ़ता है, प्रोडक्शन के डिक्रीज होने के साथ वो घटता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट. बट जो फिक्स कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट जो प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है. वो खर्च होने वाला है, वो आपका कमिटेड कॉस्ट है. फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर फैक्ट्री ली हुई है, फैक्ट्री रेंट पे ली हुई है, तो जो भी आपका फैक्ट्री का रेंट होगा वो आपको हर महीने या हर 3 महीने में या जो भी आपका टर्म है उसमें आपको पे करना पड़ेगा. आपका प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है उससे फिक्स कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है. जैसे आपने आपकी फैक्ट्री के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड को बैठा के रखा है या आपके फिक्स एम्प्लॉयज है, आपका प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है, आपको वो खर्चा पे करना ही पड़ेगा. तो टोटल बेसिक थीम क्या है इस मार्जिनल कॉस्टिंग की, बेसिक थीम ये है कि जो भी खर्चा है, जो भी टोटल कॉस्ट टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल पार्ट. अगर आपके पास सेमी वेरिएबल खर्चे हैं तो भी उसको हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स एक्सपेंसेस. मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट एक नया वर्ड है बट चीज सब पुरानी वाली है. मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट ही होता है. मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है, अगर आप एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे काम कर रहे थे, 1000 क्वांटिटी आप बना रहे थे, नीचे जो एग्जांपल दिया उसको समझते हैं. इफ अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 1000 यूनिट्स ऑफ अ टोटल कॉस्ट एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 3000, आप 1000 क्वांटिटी बना रहे थे, आपका टोटल खर्चा हो रहा था 3000 रुपए. अब क्या कर रहे हो आप आपके 1000 की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो एक क्वांटिटी से, मतलब आप क्या कर रहे हो, अब 1000 एक प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आपका जो टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज होके कितना हो गया, 3002. मतलब मेरा एक यूनिट बढ़ाने की वजह से हुआ क्या, मेरे 2 रुपए का कॉस्ट इनकर इंक्रीज हो गया, तो एडिशनल कॉस्ट क्या हो गई मेरी, 2 रुपए. तो वो एडिशनल कॉस्ट को ही सिर्फ क्या बोला जाता है, मार्जिनल कॉस्ट. मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल मतलब जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है, अगर फिक्स पार्ट हुआ होता वो तो चेंज हुआ ही नहीं, वो तो वैसा ही रह गया. तो जैसे हम लोग यूटिलिटी में पढ़ते थे, इकोनॉमिक्स का एक फेवरेट टॉपिक है सबका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हमको क्या समझाया गया था, अगर आप एक एडिशनल क्वांटिटी को कंज्यूम करते हैं तो उससे जो मिलने वाला यूटिलिटी होता है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. सेम वे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट हम लोग का उसका प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो जो भी कॉस्ट में इंक्रीज होता है, जो भी रुपए का या जो भी अमाउंट का, दैट अमाउंट इज कंसिडर्ड एज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट. और अगर आप एक क्वांटिटी से ज्यादा, 2 क्वांटिटी 4 क्वांटिटी या कितनी भी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, तो जो भी इंक्रीज हो रहा है उसको आप जो एडिशनल क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो आपको एवरेज मार्जिनल कॉस्ट भी मिल जाएगा. अब हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के. तो मार्जिनल कॉस्टिंग सबसे ज्यादा कहाँ पे काम आता है, आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में काम आ रहा है. मतलब आप क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट के जो डिसीजन लेने की जो भी बेसिस होती है वो सब कहाँ से निकलती है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट के द्वारा निकलती है. तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए ये मार्जिनल कॉस्ट काम आता है. साथ ही साथ दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी खर्चे हैं, जितने भी कॉस्ट के एलिमेंट है, उसको हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं, वन इज वेरिएबल एंड वन इज फिक्स. इवन सेमी वेरिएबल खर्चों को भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल.
वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग क्या मानते हैं, प्रोडक्ट का कॉस्ट मानते हैं। तो जब भी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल रहे होते हैं तब सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। और फिक्स कॉस्ट को क्या कंसिडर किया जाता है, फिक्स कॉस्ट को हम लोग पीरियड कॉस्ट कंसिडर करते हैं और डायरेक्टली उसको कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज कर देते हैं और ना कि प्रोडक्ट के कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रोडक्ट के कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो आपका फिनिश गुड्स या वर्किंग प्रोग्रेस का जो भी वैल्यूएशन होगा वो भी सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट के साथ होने वाला है। तो फिक्स कॉस्ट तो डायरेक्ट कॉस्टिंग पीएनएल में चली गई, आपका सिर्फ वैल्यूएशन जो भी हो रहा है फिक्स कॉस्ट या फिनिश गुड्स या वर्किंग प्रोग्रेस का वो किस पे हो रहा है, सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट पे हो रहा है। दूसरा एक वर्ड आपको सबसे ज्यादा यूज होने वाला है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट उसके वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो भी पैसा बचा रहा है आपके लिए उसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब ये प्रोडक्ट आपको कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स योर प्रॉफिट एंड फिक्स एक्सपेंसेस, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो आप अगर काम नहीं करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट तो होने वाला नहीं है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो फॉर्मूला है एकदम बेसिक फॉर्मूला है। और कॉन्ट्रीब्यूशन का जो वर्ड है वो आपको हर एक जगह इस मार्जिनल कॉस्टिंग में काम आने वाला। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले अजम्पशंस। तो ये टॉपिक ऐसा है इसमें बहुत सारे अजम्पशंस लिए हुए हैं। सबसे बेसिक अजम्पशन क्या है कि सारे जितने भी खर्चे हैं वो डिवाइड हो जाएंगे बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है प्रैक्टिकली, बट हम लोग यहाँ पे अजम्पशन ले रहे हैं कि जो भी खर्चे हैं हमारे कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के जो भी खर्चे हो रहे हैं वो फिक्स एंड वेरिएबल कंपोनेंट में डिवाइड हो जा रहे हैं। दूसरा मेरा क्या है, दूसरा बेसिक अजम्पशन ये कि वेरिएबल कॉस्ट जो है मेरे हर प्रोडक्ट की कोई भी लेवल का आउटपुट हो वो सेम रहने वाली है। बट ऐसा है प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं है। मैं अगर कोई भी रॉ मटेरियल सोर्स कर रहा हूँ किसी भी प्रोडक्ट के लिए, अगर मैं कम क्वांटिटी में लूंगा तो मुझे कॉस्ट ऑब्वियसली पर यूनिट ज्यादा लगेगी। बट जैसे ही मैं क्या करता हूँ, मेरा लेवल ऑफ परचेज अगर बढ़ा देता हूँ, मैं 1000 क्वांटिटी की जगह 10,000 15,000 अगर परचेज कर रहा हूँ तो मेरा बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाता है और मैं शायद वो प्रोडक्ट 3 रुपए की जगह 2 रुपए 90 पैसे 2 रुपए 85 पैसे पे परचेज कर पाऊंगा। बट यहाँ पे अज्यूम क्या किया है, वो वेरिएबल कॉस्ट कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट हो या कोई भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो वो सेम रहने वाला है। सेम वे सेलिंग प्राइस भी जो है वो भी कॉन्स्टेंट रहने वाला है हर एक लेवल पे। आप 1000 बेचो, 10,000 बेचो, 1,00,000 बेचो, ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। हमारा सेलिंग प्राइस, हमको ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर लेना है तो हमको घटाना भी पड़ता है। बट यहाँ पे अजम्पशन क्या है, सेलिंग प्राइस विल रिमेन कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। अब ये जितनी भी बात कर रहे थे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस की, वो पर यूनिट कॉन्स्टेंट रहने वाली है। तीसरा आया हमारा अजम्पशन, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। मेरा जो फिक्स कॉस्ट इंकर हो गया, मेरा फैक्ट्री का रेंट, इट विल नॉट चेंज इफ आई प्रोड्यूस 0 यूनिट और प्रोड्यूस एट फुल कैपेसिटी। मेरा फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, कभी कभी मुझे क्या करना पड़ता है, मेरे को मेरा लेवल ऑफ आउटपुट जो है अगर अभी 1000 है तो वो मशीन के साथ मुझे 2000 पे जाना है तो मुझे एक एडिशनल पार्ट ऐड करना पड़ेगा या मेरे को फैक्ट्री में एक एडिशनल जगह भी भाड़े पे लेनी पड़ सकती है। बट यहाँ पे अज्यूम क्या कर रहे हैं हम लोग, फिक्स कॉस्ट मेरी सेम रहने वाली है, टोटल जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहने वाली है कोई भी लेवल की एक्टिविटी में कर रहा हूँ। और अगर ये बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट रहने वाली तो सिर्फ एक ही डिसाइसिव फैक्टर होता है, क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट सेलिंग प्राइस और टोटल फिक्स हो, ये तीनों की तीन चीजें लॉक हो गई है, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाली। अब हम लोग पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग किस तरह से कॉस्ट निकालते थे और मार्जिनल कॉस्टिंग में किस तरह से निकालेंगे। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने सिंपल जो हमारा फॉर्मेट था कॉस्ट शीट का, क्या करते थे हम लोग, कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज हो रहा वो लेते थे, उसमें हम लोग लेबर जोड़ते थे उस यूनिट को बनाने के लिए, उसमें जो भी होने वाले डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे वो जोड़ देते थे। तो मुझे क्या मिलता था, प्राइम कॉस्ट। ज्यादातर पूछा जाता था प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। बाद में हम लोग क्या ऐड करते हैं, उसमें फैक्ट्री में होने वाले जो भी ओवरहेड्स हैं वो हम लोग ऐड करते हैं, जैसे फैक्ट्री का डिप्रिसिएशन हो गया, प्लांट का डिप्रिसिएशन, लाइट बिल वगैरह वो ऐड करते थे। और ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस का वैल्यू माइनस क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस का वैल्यू करते थे तो हमको क्या मिलता था, फैक्ट्री कॉस्ट। फिर बाद में ऑफिस ओवरहेड जो ऐड करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, और फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, और माइनस करते थे फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, तो हमें मिलता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्ट बिकने के लिए रेडी हो गया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करते ही मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाता था और उसको सेलिंग प्राइस में से माइनस करने पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो मुझे मालूम पड़ जाता था। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कॉस्ट शीट हमने पढ़ा हुआ है पहले से, वो सिंपल इस तरह से दिखता है। अब हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉस्ट शीट जो एकदम सिंपल है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से सिंपल है। और ये टेबल जो है, ये टेबल मैंने जो बनाया हुआ है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मतलब क्या मिलता है, कॉन्ट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते ही मुझे क्या मिल जाता था, प्रॉफिट या लॉस। तो ये जो टेबल है हमारा बहुत ज्यादा काम आने वाला है।
जितने भी फॉर्मूलाज हमने आपने देखा होगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग की बुक्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो उसके अंदर फॉर्मूलाज दिए हैं, कम से कम 15 से 20 फॉर्मूलाज हैं। बट कोई भी फॉर्मूला हमको लर्न नहीं करना है, सारे के सारे फॉर्मूलाज हम लोग इस टेबल के बेस पे ही बनाएंगे। तो सिंपल हमारी कॉस्ट शीट कैसे दिखती है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस। अब सिंपल एक डिफरेंस का टेबल मैंने बनाया हुआ है, इतना ज्यादा इसमें टॉपिक्स नहीं है, जो भी हमने पढ़ दिए वही चीजें इसके अंदर। कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को कॉस्ट निकालते टाइम या इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते टाइम फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों खर्चे लिए जाते हैं, और मार्जिन कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट दैट इज मार्जिनल कॉस्ट इज कंसिडर्ड टू वैल्यू द कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और टू वैल्यू द इन्वेंट्री। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग फिक्स कॉस्ट को क्या मानते हैं, फिक्स कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मानते हैं, बट यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को हम लोग पीरियड कॉस्ट मानते हैं और प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं मानते। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की जो जो भी वैल्यूएशन हो रही है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, वो किस बेस पे हो रही है, टोटल कॉस्ट के बेस पे हो रही है। और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या हो रही है, वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे हो रही है। तो ऑब्वियस है क्या होगा, मेरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो भी वैल्यूएशन होगा इन्वेंट्री का, वेदर इट इज WIP और इट इज फिनिश गुड्स, इट विल बी हायर देन द मार्जिनल कॉस्टिंग का वैल्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल कॉस्ट इज कंसिडर्ड बट यहाँ पे सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो ये सिंपल एक टेबल है जिसमें हम लोग को डिफरेंस बताया गया है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो हमने चीजें पढ़ चुके हैं उसको समराइज करके यहाँ पे डाला हुआ है। अब मार्जिनल कॉस्टिंग कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। उसके टॉपिक्स क्या क्या होंगे हमारे, कॉस्ट कंट्रोल, हमको एक सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, हमको डेटा दिया होगा और हमको बोलेंगे कि आपको कॉस्ट को कंट्रोल करना है या आपको ये लेवल ऑफ प्रॉफिट कमाना है तो कितना प्रोडक्शन करेंगे। की फैक्टर एनालिसिस, तो की फैक्टर में होता क्या है कि कोई भी मेरे पास एक स्केयर रॉ मटेरियल है या मेरे पास स्केयर लेबर है या मेरे पास कोई कैपेसिटी है वो स्केयर में है, मतलब वो कम है, वो एक मिनिमम क्वांटिटी है, उसको मैं उससे ज्यादा मैं जा नहीं सकता, उसको बोलते हैं की फैक्टर। या मुझे डिसीजन लेना पड़ता है, कई बार मुझे मेक करना है या बाय करना है, मतलब मुझे कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसके अंदर का रॉ मटेरियल जो भी कंपोनेंट है मुझे मार्केट से भी मिल रहा है और साथ ही साथ में प्रोडक्शन भी कर रहा हूँ, तो मार्केट से लेने में फायदा है या खुद बनाने में फायदा है, वो डिसीजन हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पे लेते हैं। कोई एक्सपोर्ट का ऑर्डर मुझे मिला है, मैं कोई काम कर रहा हूँ लोकल सप्लायर्स को बना बना के सप्लाई कर रहा हूँ, मुझे वही प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्सपोर्ट का एक ऑर्डर आया है, बट वो होगा क्या, वो यहाँ की जो प्राइस में बेच रहा हूँ उससे कम होगा बट क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो मुझे वो एक्सपोर्ट का ऑर्डर करना है या नहीं करना, वो डिसीजन हमको लेना पड़ सकता है। हमको कोई भी सेलिंग प्राइस घटाने से लॉस तो नहीं हो रहा है, तो इस तरह के सवाल भी हमको पूछे जाते हैं। कोई ए और बी दो प्रोडक्ट बना रहा हूँ या ABC तीन प्रोडक्ट बना रहा हूँ, किस तरह का कॉम्बिनेशन, किस तरह का प्रोडक्ट मिक्स बनाऊं तो मेरे को हाईएस्ट प्रॉफिट हो, वैसे भी हमको सवाल पूछे जा सकते हैं। सेल्स मिक्स में वेरिएशन, प्रोडक्ट मिक्स में वेरिएशन, मेरे को प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कौन क्या चीज कर सकता हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट को मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ बेच रहा हूँ मार्केट में, उससे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, लॉस हो रहा है, क्योंकि टोटल P&L हम लोग जब देखते हैं तब हम लोग को टोटल जितने भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने के बाद प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हम लोग देखते हैं। बट मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाइज हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि कोई प्रोडक्ट बनाना है या उसको बंद कर देना है, कोई भी डिवीजन चलाना है उसको बंद कर देना है। तो इस तरीके की जो भी चीजें हम लोग यहाँ पे हम सवाल के बेस पे पढ़ेंगे जिसमें हम लोग को डिसीजन लेना होगा या मैनेजमेंट की तरह हमको सोच के क्या करना होगा, डिसीजन लेने होंगे। अब यहाँ पे एक टॉपिक निकल के आता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जो मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक टॉपिक है जिस पे हम लोग आगे सवाल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CVP एनालिसिस, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट तीनों के बीच की रिलेशनशिप को पढ़ के डिसीजन लेते हैं। तो ये चीज हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तब हम ज्यादा तरीके से समझेंगे, अभी के लिए सिर्फ क्या है, कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट का एनालिसिस को CVP एनालिसिस बोलते हैं। जहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट, जिसमें क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है कि ऐसा लेवल ऑफ प्रोडक्शन जहाँ पे मुझे लॉस भी नहीं हो रहा है या प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, मेरा प्रॉफिट और लॉस दोनों ही जीरो है, तो उस तरह के सवाल हम लोग पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके रिलेटेड जो भी सवाल है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो टेबल है वो टेबल के बेस पे हम लोग सारे फॉर्मूलाज डिराइव करना सीखेंगे ताकि तुमको कोई भी फॉर्मूलाज लर्न ना करने पड़े, और बाद में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे।